सो हेलो एवरीवन, दिस इज एनिमल असेंबल एंड वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे ये हो सकता है, कैसे ऐश और बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स पता लगा लेते हैं पहले से ही कि उनके पोकेबॉल में कौन से पोकेमॉन मौजूद है और वो एकदम करेक्ट पोकेमॉन निकालते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है, सब पोकेबॉल जो है वो सेम ही साइज के हैं, सेम ही शेप के हैं और सब दिखने में भी सेम है। कोई स्पेशल नहीं है, किसी पे कोई टैग भी नहीं है कौन सा पोकेबॉल में कौन सा पोकेबॉल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही क्लियर करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। तो अपने पॉपकॉर्न्स ले लो और हेडफोन लगा लो और रेडी हो जाओ। तो चल यार स्टॉर्म, इंट्रो लगा। जैसा आप कहो बॉस। आपको पता है मेरे साथ तो ये झंझट ही नहीं, क्योंकि मैं एक पिकाचू हूँ और मैं तो पोकेबॉल में जाता ही नहीं। हाँ, और तू हमेशा बाहर रह के मुझे परेशान करता है। चल इंट्रो लगा। सो गाइस, हम लोग 3 थ्योरीज की बात करेंगे जो कि फैन मेड है पर बहुत ही सेंस बनाती हैं, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ने ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया कि कौन से पोकेबॉल में कौन से पोकेमॉन रहते हैं, कैसे पता चलता है। तो ये बेसिकली होता है पोकेबॉल्स के वेट की वजह से। जैसे अगर कोई पोकेमॉन का वेट भारी है तो उसका वेट पोकेबॉल में भी भारी होगा। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कह देता हूँ, एक है आर्कनाइन और उसका वेट बहुत ज्यादा है और एक तरफ एक छोटा सा बेल स्प्राउट। तो आर्कनाइन का जो पोकेबॉल रहेगा ट्रेनर के पास, उसका वजन थोड़ा ज्यादा रहेगा बेल स्प्राउट वाले से। तो इसी से ट्रेनर पता लगा पाते हैं कि कौन से पोकेबॉल में कौन सा पोकेमॉन है। तो ये तो थी पहली थ्योरी। तो ये इतना सेंस नहीं बनाती है जितना की दूसरी थ्योरी बनाती है। तो हमारी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पोकेबॉल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये तो सबको ही पता होगा, और उसमें श्रिंक होने की पावर है। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्रेनर अपने पोकेबॉल को वापस बुलाता है तो एक रेड लेजर लाइट निकलती है जो कि पोकेमॉन को एक लेजर लाइट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और फिर उसे पोकेबॉल के अंदर खींच लेती है। तो ऐसे ही सब पोकेबॉल होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब भी वो अपने ट्रेनर के पास रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और ये सिर्फ ट्रेनर के पास ही होता है क्योंकि सिर्फ ट्रेनर की आवाज़ पहचानते हैं पोकेबॉल, और उसमें एक वॉइस कोड रहता है जो कि ट्रेनर की वॉइस से ही ओपन होता है। तो जैसे कि एग्जांपल की तरह ऐश अपने एक पोकेबॉल निकालता है, उसमें कहता है कि सेप्टाइल बाहर आओ, और उसने अपने पोके बेल्ट में से ऐसे कोई भी रैंडम पोकेबॉल चुन लिया है और उसने कहा सेप्टाइल बाहर आओ। तो जो सेप्टाइल का पोकेबॉल रहेगा उसमें से सेप्टाइल जो है ये नॉर्मल पोकेबॉल में आ जाएगा टेलीपोर्ट होके, या फिर कैसे भी वो आ जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उस पोकेबॉल में सेप्टाइल आ जाएगा तो ऐश जब पोकेबॉल फेंकेगा तो उसमें से सेप्टाइल निकलेगा। तो ये तो हो गई सेकंड थ्योरी, इसमें थोड़ा बहुत सेंस है। पर जो सबसे ज्यादा सेंस बनाती है वो है थर्ड थ्योरी, जिसकी अभी हम बात करेंगे। हमारी थर्ड थ्योरी जिसको कि सबसे ज्यादा माना गया है फैन थ्योरीज में, और यही सबको लगता है कि सच है, वो है कि ऐश कैचम की ये बेल्ट ये कोई नॉर्मल बेल्ट नहीं है। इसमें ऐश कैचम या फिर कोई और भी पोकेमॉन ट्रेनर्स जो जिनकी बेल्ट होती है पोकेबॉल की, उसमें आपने देखा होगा कि बेल्ट के अंदर बहुत सारे पोकेबॉल रहते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से सेट करते होंगे कि कौन से पोजीशन पे कौन सा पोकेबॉल है। जैसे कि इधर पिकाचू का पोकेबॉल है, वो बेवकूफ पिकाचू तो पोकेबॉल में जाता ही नहीं। ओ हाँ सॉरी, जैसे कि इधर चारिज़ार्ड का पोकेबॉल है और इधर है स्नोरलैक्स का पोकेबॉल, और यहाँ है बेलीफ का, और यहाँ पर है इन्फर्नेप का। तो ऐश जब इन्फर्नेप और बाकी पोकेमॉन को बैटल खत्म होने के बाद बुलाएगा तो वो उन्हें उसी कॉलम में रखेगा उनकी पोकेबॉल को जहाँ से उसने उन्हें निकाला था, जिससे कि उसे याद रहेगा कि उसके कौन से पोकेबॉल्स में कौन से पोकेमॉन है, जिससे ट्रेनर्स को ये पता चल जाता है कि कौन से नंबर पे उन्होंने कौन सा पोकेबॉल रखा था, किस पोकेमॉन का पोकेबॉल रखा था, तो इससे वो सही पोकेमॉन निकाल पाते हैं। तो ये बेल्ट ही है जिसके वजह से ऐसा हो पाता है। इसमें हर जगह पे अपने मतलब जो ऑर्डर वाइज पोकेमॉन लगा सकते हैं ट्रेनर्स। तो गाइस यही थी वो 3 थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, और इसमें से जो ये वाली थ्योरी थी बेल्ट वाली, ये सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, इससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। जब तक के लिए ट्रू पोकेमॉन और एनीमे फैन बने रहें।